नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ टिप्स मैं बताऊंगा जिससे कि आपको मदद मिलेगी एक स्मार्टफोन बाय करते हुए। तो अक्सर लोग मतलब रैम, प्रोसेसर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ऐसी बातें बताने की जो कि अक्सर मिस आउट हो जाती हैं, गलतियाँ कह सकते हैं आप, टिप्स कह सकते हैं। मेरा नाम है एकांश गोयल और आप देख रहे हैं ऑनेस्टी टेक्निकल चैनल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं टेक्निकल वीडियोस डालता रहता हूँ स्मार्टफोन लैपटॉप से रिलेटेड, तो उम्मीद करता हूँ मेरे बाकी वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। तो जो पहली टिप मैं देना चाहूँगा वो है कि आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप 5G फ़ोन ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जो 4G फ़ोन्स हैं वो तो इंडिया में काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं और मोस्टली कंपैटिबल होते हैं कोई ना कोई 4G बैंड के लिए इंडिया में। बट 5G बैंड्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे वन प्लस नॉर्ड है वो सिर्फ एक सिंगल बैंड सपोर्ट करता है 5G का इंडिया में। अगर हम मोटो जी 5G की बात करें तो वो 11 बैंड सपोर्ट करता है। तो आपको ऐसा 5G फ़ोन लेना चाहिए अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा बैंड सपोर्ट करता हो, तो चांसेस ज़्यादा होंगे फ्यूचर में जब भी 5G इंडिया में आएगा कि वो भी सपोर्ट करे इंडिया में। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो वो है ईयर पीस क्वालिटी। तो अक्सर हम जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो मतलब ज़्यादातर हम लोग किस लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं कॉलिंग के लिए। और ईयर पीस क्वालिटी कुछ मिड सेगमेंट के फ़ोन्स में, स्पेशली बजट सेगमेंट और मिड सेगमेंट में कहूँगा मैं, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कभी कभी। तो आपको मतलब जब भी फ़ोन करें तो रिव्यू ज़रूर देखें कि ईयर पीस की क्वालिटी कैसी है, कितना लाउड है वॉल्यूम, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको सुनाई ठीक से नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कुछ फ़ोन्स में ऐसा प्रॉब्लम अक्सर आता है। और साथ ही में नेटवर्क कितना अच्छा है, नेटवर्क रिसेप्शन कैसा आ रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसे एरियाज़ में जाके चेक कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा लो होता है वहाँ पे क्वालिटी कैसी है, कॉल क्वालिटी। अदरवाइज़ अगर आप मतलब नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे रिव्यूज़ देखें ऑनलाइन जहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी की भी बात ज़रूर की गई हो। तीसरा जो आजकल ट्रेंड चला है वो है हायर रिफ्रेश रेट्स का। तो आज बहुत सारे आजकल फ़ोन्स आ गए हैं इवन मिड सेगमेंट में भी जो कि आपको हायर रिफ्रेश रेट देते हैं, जैसे 90 हर्ट्ज दे दिया 60 हर्ट्ज के बजाय, या 120 हर्ट्ज दे दिया। तो देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको LPS मतलब IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है विद 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, वो आपको तभी लेना चाहिए। या तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं तब थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ऑब्वियसली, या फिर आप गेम प्ले करते हैं और गेम आपका जो है हायर FPS हायर फ्रेम्स पर सेकंड सपोर्ट करता है 60 से ऊपर, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज़ हायर रिफ्रेश रेट मतलब ज़्यादा बैटरी जल्दी कंज्यूम होना। तो अगर आपको मैं बोलूं कि एमोलेड 60 हर्ट्स या IPS 90 या 120 हर्ट्स, तो मैं बोलूँगा एमोलेड 60 हर्ट्स लीजिए आप, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय IPS LCD लेने के, ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट। अनलेस एंड अंटिल जैसे मैंने बताया आपको, आप स्क्रोलिंग या फिर गेम प्ले करते हो हायर रिफ्रेश रेट पे। चौथा, अगर हम बैटरी का, हम यूजुअली क्या करते हैं कि बैटरी देखते हैं कितनी कैपेसिटी है उसकी, क्योंकि 6000 mAh है, 7000 mAh है, 5000 mAh है, तो ज़्यादा है तो बेटर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बात ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि 4000 mAh जो है वो 5000 से ज़्यादा चल रही है, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी हुई है। और मैं ये बोलूँगा साथ में, अगर ज़्यादा जैसे मान लीजिए आपने 6000 mAh या 7000 mAh का बैटरी वाला फ़ोन ले लिया, बट उसके अंदर में चार्जिंग 18 वाट सपोर्ट करता है, तो आपको 2.5 से 3 घंटा लग सकता है फ़ोन चार्ज करने में। और आजकल की जेट एज के अंदर में इतना टाइम नहीं होता है यूजली सुबह के टाइम में किसी के पास भी चार्ज करने के लिए। तो आप ऐसा देखिए फ़ोन जो कि 1 से 1.5 दिन लास्ट कर जाए आपके लिए, मिड साइज बैटरी हो 4.5-5 हज़ार, लेकिन जिसकी फास्ट चार्जिंग हो। अगर आपको 30 वॉट, 33 वॉट, 65 वॉट, इन इनसे फ़ायदा ये होगा आपका आधा घंटा 1 घंटा में आपका चार्ज हो जाएगा फ़ोन। तो ये मैं कहूँगा आप प्रेफर कीजिए ज़्यादा बैटरी के ऊपर में विद मतलब ज़्यादा, अगर फास्ट चार्जिंग नहीं है, मान लीजिए अगर 6000 mAh है विद 65 वॉट चार्जिंग है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपको 6000 mAh मिल रही है विद 18 वॉट्स और 4500 मिल रही है विद 30 वॉट्स 33 वॉट्स, मैं कहूँगा 4500 की तरफ जाइए। आजकल एक और जो बहुत मतलब अजीब सा ट्रेंड में बोलूँगा वो चला है कि चार चार कैमरा, आपको क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया जाता है रियर एंड पे स्पेशली। तो मतलब चार कैमरा जो देते हैं वो मोस्टली गिमिक है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मैं बोलूँगा,
मोस्टली जो उसमें कैमरा यूजफुल होता है वो एक होता है, मैक्सिमम दो होते हैं। तो जो मेन कैमरा है या तो वो 48 या 64 होता है जनरली आजकल, इवन 108 भी मिल जाता है कई फोन्स में आपको। स्पेशली मैं बोलूँगा जो मिड से प्रीमियम सेगमेंट, मिड और प्रीमियम मिड सेगमेंट का जो फ़ोन होता है वो, जो प्रीमियम सेगमेंट से हायर एंड फोन्स हैं उसके अंदर में इतना इशू नहीं है, बट ये जो बजट और मिड सेगमेंट के फ़ोन्स हैं उनके अंदर में इशू है कि क्वाड कैमरा दे देते हैं लेकिन उसका एक ही कैमरा होता है जो यूज़फुल है, जो दूसरा होता है वो वाइड एंगल होता है जो कि 8 मेगापिक्सल होता है, वो फिर भी चलिए काम कर जाएगा आपका, बट जो मैक्रो डेप्थ होते हैं या 2 या 5 मेगापिक्सल के देते हैं वो ऑलमोस्ट यूजलेस होते हैं। तो प्लीज़ इसके पीछे मत भागिए कि कितने कैमराज हैं, नंबर ऑफ कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, हायर मेगापिक्सल होना ही सब कुछ नहीं है। 64 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं है कि 12 मेगापिक्सल से बेटर कैमरा आपको बेटर इमेजेस देगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी है, सेंसर पर तो डिपेंड करता है कैमरा सेंसर कैसा है, प्लस पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज की कैसी हुई है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा हुआ इमेज के ऊपर में। तो इन चीज़ों का ध्यान भी देना ज़रूरी है, आप रिव्यूज़ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए कि रिव्यूअर्स क्या कह रहे हैं उस कैमरा के बारे में, सिर्फ 48 या 64 देख के मत खरीदिए। आखिरी पॉइंट में बोलूँगा कि जैसे फिंगरप्रिंट रीडर जो होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है, वो बहुत सारे फ़ोन्स में आजकल जो आ रहा है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली कूल लगता है, आपको अच्छा लगता है कि आप स्क्रीन के ऊपर ही अपना फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हैं, बट वो एक एसेंशियल फीचर नहीं है, मैंडेटरी फीचर बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर या तो साइड में या बैक में मिल रहा है तो वो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आज भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से फास्ट होते हैं। तो उसके पीछे मत जाइए कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इन डिस्प्ले है या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना एक्यूरेट है, कितना फास्ट है, दैट मैटर्स मोर, उससे ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और आइडिया मिल गया होगा कि जो कि मतलब ऐसे पॉइंट्स जो काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं एक स्मार्टफोन खरीदते हुए। तो आपको उम्मीद करता हूँ मदद मिली होगी और आप इससे काफ़ी एडवांटेज ले पाएंगे आगे फ्यूचर में जब भी आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ये वीडियो में क्या चीज़ें और चाहिए हो, और कोई गाइड आपको चाहिए हो या और आपको कोई फीचर्स चाहिए उसके बाद में आपको डिस्क्राइब करना हो, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।